पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, ठीक है। तो उस केस में बोला क्या जाता है, जब हम इंस्ट्रूमेंट को पैरेलल में जोड़ते हैं तो सभी के थ्रू पोटेंशियल ड्राफ्ट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम सेम रहेगी। जैसे घर में बल्ब लगाए हुए हैं ना, तो उन सारे बल्बों को किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं। इसलिए ग्लो जो होती है वो सबकी क्या रहती है, अगर सेम वाटते हैं इक्वल इक्वल मिलता है, लेकिन अगर उन्हीं को स्लीप में कर दीजिएगा तो कंडीशन क्या होगी, ग्लो की वैल्यू घट जाएगी। जैसे झालरें बनाई जाती है ना, अब देखें हम लाइट के लिए, लाइटिंग के लिए हम झालर वगैरह लगाते हैं, तो झालरों में कुछ क्या बल्ब जो होते हैं वो सेम में जोड़े जाते हैं। फिर अगला एक जो देखिए वायर आता है आगे झालर, देखो दो कंडीशन में होती है, एक तो होता है जब हम बनाते हैं ना तो आप देखते हैं कुछ लोगों की झालरें ज़्यादा चमकती हैं, कुछ लोगों की कम चमकती हैं, देखा ना, कुछ में रोशनी ज़्यादा होती है, कुछ में क्या होती है कम होती है। उसके दो रीज़न होते हैं बेटा, एक तो उसके वाट जो आपके बल्ब के हैं उस पर डिपेंड करता है, दूसरा कंडीशन आपका होता है कि वो कितने बल्ब को आपने सीरीज में क्या किया है, कनेक्ट किया है। जैसे मान लो आपने 20 बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो जो आपका टोटल पोटेंशियल आ रहा था वो 20 बल्बों में क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने 10 बल्ब को ही क्या किया, करंट किया होता, तो 10 बल्ब में क्या होता है, डिवाइड होता। तो वहाँ पे जो बल्ब आपका दिया गया है, ठीक है, वो कुछ लोग क्या होते हैं, सब लोग खुद बना लेते हैं, ठीक है। तो जब सेल्फ बनाते हैं उस कंडीशन में, अब उनको ये आइडिया नहीं है कितने को हमें सीरीज में क्या करने पे, कनेक्ट करने पे ग्लो प्रॉपर आएगी। अगर बहुत कम कर देंगे तो फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि जैसे मान लो किसी की कैपेबिलिटी होगी ना, हर बल्ब का कितना वो वोल्ट मैक्सिमम के बियर कर सकते हैं, तो उस केस में अगर उससे ज़्यादा वोल्ट उसको सप्लाई मिल जाएगी तो भी क्या करेगा, वो फ्यूज हो जाएगा बेटा। तो उस केस में जब हम लोग कनेक्शन करते हैं, इस तरह से कनेक्टते हैं कि जो उसकी बियरिंग कैपेसिटी है, जितना मैक्सिमम बल्ब क्या कर सकता है, बियर कर सकता है, उतने वोल्ट पर बल्ब क्या आपको बल्ब उसमें क्या मिले, पोटेंशियल मिले। अगर उससे ज़्यादा मिलेगा तो फ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे या कैलो फ्यूज हो जाएगा। अगर उससे कम मिलेगा बेटा तो उसकी ग्लो क्या होगी, कम डिम, ठीक, यानी वो हिंदी कह लो डिम बन जाएगा, धीमा जलेगा, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, इसलिए हम एक पर्टिकुलर आप देखते होंगे जब घर आप खरीदते हो तो उसमें एक ही वायर से सब नहीं कनेक्टेड होता है, एक वायर जाता है तक फिर एक और दूसरा वायर करके क्या होता है आगे की सर्किट को कम्प्लीट करता है, तब उस समय ग्लो आपका प्रॉपर होता है। पता लगा सब बल्ब आपने एक ही बार में जोड़ दिया सीरीज में, तो उस केस में ग्लो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन घरों में पूछा जाता है कि घरों में हम लोग मान लो बल्बों को जोड़ रहे हैं सीरीज में और पैरेलल में, तो सीरीज में कौन ज़्यादा ग्लो करेगा, पैरेलल में कौन ज़्यादा ग्लो करेगा। सपोज दैट आपने तीन बल्ब ले लिए, क्योंकि ये कहानी बल्ब की तब के क्वेश्चन ये बेस्ड है जब हम लोग का ये CFL और LED नहीं हुआ करता था, जब क्या होता था नॉर्मल बल्ब होता था, तो उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर बनाए गए हैं। देखो उस टाइम पे मोस्टली जो घरों में बल्ब यूज़ करते थे 40 वाट 60 वाट और 100 वाट के किया जाते थे, 40 वाट 60 वाट और 100 वाट के बल्ब नॉर्मल जो बल्ब आते थे, ठीक है, जो घरों में लोग यूज़ करते थे मोस्ट ऑफ केसेस में। उस कंडीशन में क्या होता था, उन्हीं बल्बों के कॉम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं कि सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब ग्लो किसका ज़्यादा होगा, पैरेलल में करेंगे तब किसका ग्लो ज़्यादा होगा, किसके फ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, किसके फ्यूज होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, किसके फ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, किसके फ्यूज होने के चांसेस क्या हैं आपके, कम होंगे, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है, उस पर हम लोग डिसाइड भी करते बेटा, ठीक है। अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन आप बल्ब कर रहे हैं, किसका पहला सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ क्या हो गया, बल्बों का जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ठीक। और एक चीज और बता, चूंकि सालों के स्कूल की टाइमिंग थोड़ी लेट हो गई है, तो वो लोग 3 बीस से पहले आ नहीं पाते, तो आप लोग टाइमिंग जो होती है सीरीज 2:15-2:20 पे आपके स्टार्ट की जाती है, ठीक है। तो आप लोग टाइमिंग जो है कि वो फिर आप सवा 2 मान के चलाते हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि उन लोगों की 3 बजे छुट्टी होती है, यहाँ पर कम से कम 15-20 मिनट आने में लग जाता है स्कूल से, ठीक। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, आप क्या बल्ब की जब बात करें तो सीरीज में जोड़ने वालों का 3 बल्ब में बैठा, एक 40 वाट है, दूसरा 60 वाट है, तीसरा 100 वाट है, ठीक। हमने बल्ब बनाए, ये है कितना 40 वाट 60 वाट एंड 100 वाट, 3 बल्ब आपने लगाए सीरीज में एक दूसरे से, ठीक है। अब इनको अगर आपने कनेक्ट कर दिया, किसी सोर्स से आपने मान लो हमने कनेक्ट कर
कर दिया। ये जो वाटर दिए जाते बेटा ना, एक पर्टिकुलर वोल्ट पे दिया जाता है। जैसे आप अगर बल्ब खरीदिए तो उस पर अगर रीडिंग आपकी मान लो 40 वाट, तो वो होता है 40 वाट एट 220 वोल्ट, मतलब उसे 220 वोल्ट पे अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तब उस केस में आपका क्या होगा, पावर 40 वाट आपका वो कंज्यूम करेगा। ठीक, अगर आपका वोल्टेज की वैल्यू को हम फ्लैक्चुएट करते हैं, देन मीन वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, अगर वोल्टेज की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका पावर जो आपको आउटपुट होगा वो हमारा वेरी करेगा। पावर जो होगा वो कैसा करेगा, वेरिएशन होगा। तो वेरिएशन की कंडीशन में क्या होता है, देखो 40 वाट है तो 20 वोल्ट पे हमने मान लिया सबका दिया गया है। ठीक, तो कंडीशन है सीरीज में जोड़ने पे करंट की वैल्यू सबके थ्रू क्या होगा, मान लो हमने 220 वोल्ट ही यहाँ पे क्या कर दिया, अप्लाई कर रहे हैं, ये सीरीज में जब जाएगा तो बेटा करंट सब में सेम सेम होता है। करंट सेम होगा तो उस केस में हीटिंग, देखो जो ग्लो आपका बल्ब का होता है वो डिपेंड करता है हीट कितना जनरेट हो रहा है। हीटिंग जिसमें ज़्यादा होगा उसमें ग्लो ज़्यादा होगा, हीटिंग जिसमें कम होगा बेटा ग्लो क्या होगा उसमें कम होगा। अब इस केस में सारी का ऑपरेटिंग वोल्टेज जो दिया गया था 220 वोल्ट पे इतने वाटेज दिए गए, अगर उनको हम लोग क्या करें सीरीज में कनेक्ट किया तो बोला जा रहा है ये तीनों बल्ब में सबसे ज़्यादा ग्लो कौन करेगा, सबसे ज़्यादा रोशनी कौन देगा, कौन ज़्यादा चमकेगा। ठीक, उस कंडीशन में हम लोग निकालेंगे बेटा, पहले इसके हम लोग क्या करेंगे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि जब सीरीज में होता है तो हीटिंग हम लोग निकालते हैं आई स्क्वायर पर सेकेंड, अगर हीटिंग करेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आर, और टोटल टाइम टी में करेंगे तो आई स्क्वायर आर क्यूब ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन जो है टी की वैल्यू 1 सेकेंड लेंगे तो पर सेकेंड हीटिंग जिसमें ज़्यादा होगा दैट मीन्स उसमें क्या होगा ग्लो ज़्यादा होगा। तो कंडीशन हीटिंग किसमें ज़्यादा होगा, जो करंट सबसे सेम सेम है, टाइम सब चीज़ें हम लोगों ने सेम सेम ले लिया, दैट मीन्स ये हो गया कि जिसमें करंट क्या आ रहा है जिसकी ज़्यादा होगी, जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी, उसमें बेटा करंट हमारा क्या होगा हीटिंग ज़्यादा होगा तो उसमें ग्लो ज़्यादा होगा। ठीक, अब यहाँ पे आपने कहा ये बताओ 40 वाट से 60 वाट से 100 वाट इनमें रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसका होगा, 100 वाट के कितने लोग कह रहे 100 वाट से ज़्यादा होगा, इन तीनों बल्ब में रेजिस्टेंस किसका सबसे ज़्यादा होगा, 100 वाट 40 वाट और लोग 100 और 40, किसी का 60 तो नहीं आ रहा है, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। देखिए होता क्या बेटा, क्योंकि ये जो आपको दिया गया है ना, ये बोला गया है ऑपरेटिंग वोल्टेज कितने पे दिया गया है, 220 वोल्ट पे आपको दिया गया है, और हम लोग जानते हैं बेटा पावर जो होता है अगर हम लोग पी 40 की बात करते हैं तो आई क्या बी स्क्वायर आर के बराबर होता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट वोल्टेज पे दिया गया है, ये वैल्यू क्या है 220 वोल्ट पे दी गई है। तो अगर आर 40 की वैल्यू हमें निकालना है तो आर 40 हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर अपॉन क्या पी 40, बी की वैल्यू है 220 अपॉन कितना 40 वाट, कितना है आपका 40 वाट। यहाँ से आप कैसे निकालोगे बेटा 4 5 20 4 5 20। ठीक, अब कंडीशन क्या हो रहा है, आप इसी को कर लो 22 ये बचा और ये हो गया 4 5 20 55 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा भाई, एक ये तो हमारा कट गया 1220। ठीक, इसको हमने काट दिया 4 5 20 4 5 20 तो कितना आ रहा है 1225 10 और बचा हमारा कितना 1120 और 1210 ओम आ गया, वैल्यू कितने आ गए 1210 ओम आया, जिसका 40 ओम वाले का क्या रेजिस्टेंस, अगर ऐसे आप 60 निकाल देंगे बेटा तो 60 कट होगा 20 स्क्वायर कितना पी 60 और 20 की वैल्यू है 220 अपॉन कितना 60, एक किलो कैंसिल होगा बेटा डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए 4840 अपॉन 11/3 कर देंगे 6 8 48 हो जाएगा, ये 0 हो गया 6 6 36 बचा आपका क्या 467 यानी 806.6 ओम लगभग इसका आ रहा है। ठीक है, अगर आप 100 की वैल्यू आप निकालोगे 100 वाट वाले का जो होगा ये 20 अपॉन पावर कितना है पी 100 ये वैल्यू इससे ही कैलकुलेशन चेक कर 484 आएगा 484 है, तो इसकी बात नहीं कर रहा, ऊपर वाले का
ये 100 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 22 into 22 484 हो जाएगा, 400। ठीक, कितना हो गया 484 ओम के बराबर हो गया। तो ये अलग अलग हमारा क्या है, रजिस्टेंसेज है। देखो रजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका आया, 40 का, यानी जिसका पावर कम है उसके रजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, जिसका पावर क्या पावर ज्यादा है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कम है, क्योंकि पावर ये 20 वोल्ट पे दिया जाता है। ठीक है, और उस केस में पावर के लिए फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं V² / क्या P = V² / क्या हो गया R के बराबर। R जिसका ज्यादा उसका पावर कम, जिसका R कम उसका पावर ज्यादा। अब खुद सोचो कि अगर तीनों के रेजिस्टेंस है, जहां देखो R 40 > R कितना, 60 > R 100 का, आर 40 की वैल्यू आर 60 से ज्यादा, आर 60 की वैल्यू आर 100 से ज्यादा। ठीक, आर 40, आर 60 और आर 100, ये आपके रेशियोज हैं इनके क्या रेजिस्टेंसेस के। तो इसका मतलब यहाँ पे करंट की वैल्यू कैसी है, सेम है, तो यहाँ पावर जो आएगा वो किसका ज्यादा आएगा, 40 वाट वाला ज्यादा हीटिंग होगी। ठीक है, जब 40 वाट का हीटिंग ज्यादा होगा तो ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक, तो लिखेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन 40 वाट बल्ब ग्लो मोर, क्या करेगा, ज्यादा चमकेगा, ग्लो मोर, 40 वाट वाला जो बल्ब है बेटा उसमें ग्लो क्या होगा आपका, अधिक होगा। ठीक है, 40 वाट बल्ब ग्लो मोर, ये कंडीशन आपका होता है। यहाँ से इसकी ग्लो की जो वैल्यू होगी 40 वाट बल्ब की, वो हमारे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फ्यूज कौन होगा, फ्यूज कौन होगा, जो कम चलते हैं वो क्यों हो जाएगा, फ्यूज होने के चांसेस किसके होंगे, कौन फ्यूज होगा, कौन पहले कौन बाद में, उसके बाद साथ जैसा वाला बोलो, तेरे फ्यूज हो जाएंगे। जी जल्दी बताइए, इसमें से कौन पहले फ्यूज होगा, कौन बाद में होगा। बेटा सीधी सी बात होती है, वो एलिमेंट पहले मेल्ट करेगा जिसमें हीटिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसमें हीटिंग किसमें ज्यादा हो रही है, 40 वाट वाले में। तो जब ये ज्यादा ग्लो कर रहा है, ज्यादा हीटिंग यहाँ हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यानी फ्यूज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, 40 वाट बल्ब की। ठीक, सीरीज कॉम्बिनेशन 40 वाट बल्ब ग्लो हो एंड इट्स टेंडेंसी, टेंडेंसी टू फ्यूज, यहाँ फ्यूज होना मतलब क्या, वो फ्यूज वायर नहीं है कि हम कर लेते बर्न, बर्न मतलब जल जाना, खराब हो जाना, डैमेज होना। ठीक, इज फास्ट मोर। ठीक, 40 वाट वाले बल्ब के फ्यूज होने की टेंडेंसी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, और 40 वाट के बल्ब की अगर टेंडेंसी हमारे ज्यादा है फ्यूज होने की, टेंडेंसी क्या है फ्यूज होने की, ज्यादा है, तो क्या 40 वाट वाला अगर फ्यूज हो गया तो बाकी वाले भी फ्यूज हो जाएंगे बाद में कि नहीं, नहीं होगा, क्यों, नहीं नहीं अगर मान लो 40 पहले फ्यूज हो गया तो अब 60 का नंबर आता है, मान लो 3 लोग हैं मारना तीनों को, तो एक को 12 दूसरे नंबर आएगा ना कि नहीं आएगा, तो यहाँ 40 के बाद कौन फ्यूज होगा, 60 वाला किसका वाला, नहीं अभी की कंडीशन बताया, अभी नहीं क्या होगा। देखिए बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर इनमें से कोई भी बल्ब फ्यूज हो गया, और जो फ्यूज होगा वो हमेशा लो वाट वाला होगा, फ्यूज हो गया तो फ्यूज होने मतलब सर्किट यहीं से ब्रेक हो गई बेटा, आगे सप्लाई जाएगी तो फ्यूज कैसे होगा यार, भाई यहाँ पर मान लीजिए फ्यूज हो गया, ये बता गया जब ये फ्यूज हो गया तो क्या सप्लाई आगे जाएगी, सप्लाई ब्रेक हो गई, जब सप्लाई ब्रेक हो गई तो बाकी वाले जो आपके रहेंगे वो रिमेंस सेफ बने रहेंगे। मतलब घर में अगर आप क्या कर रहे हो, सीरीज में जोड़ दिया आपके बल्बों को, तो एक के बाद फ्यूज होगा, वोल्टेज वोल्टेज फ्लक्चुएट होने पे,
लेकिन उसकी रोशनी जो होगी वो क्या हो जाएगी, जुगनू जैसे हो जाएंगे, सारे घर की लाइटों को क्या जोड़ देंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, और फ्यूज होने से बचाने के लिए या डैमेज होने से बचाने के लिए इंस्ट्रूमेंट हम लोग फ्यूज वायर यूज किया जाता है। क्या कहते हैं, फ्यूज वायर, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है तो क्या करें, फ्यूज पहले वालों में जाए, बाकी घर की सेफ्टी क्या जो भी हमारे ये है वायरिंग है इंस्ट्रूमेंट है वो सेफ बने रहे, क्या रहेगा। चलिए तो ये कंडीशन तो लिखिए आप, वाला बीच में क्या होता है, 60 वाला पहले किया जाता है तभी वही होगा भैया, 40 वाला ही होगा। हाँ 40 वाला ही, तो सर कनेक्शन ब्रेक जो होगा सर वो 40 पे होगा ना, 60 पे तो रहेगा। क्या कह रहा है, कनेक्शन ब्रेक जो होगा बर्न करने के बाद वो बीच में से के बारे में कुछ जानते हैं वो सर, सरल रेखा को सर प्रथम पर आज अंदर सबसे सीट क्लिप पर बेटा कर दिया, इनकी ब्रेक कर दो जिसमें कम रेजिस्टेंस, इन्होंने कहा, इनका कहना क्या है, बैटरी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दिमाग में, इन्होंने क्या कहा कि अगर हम यहाँ 40 वाट ले लें बेटा, या यहाँ ले लो, मान लो यहाँ ले लेते और यहाँ 60 वाट ले लेते, ठीक, तो अगर ये वाला फ्यूज हो जाता ठीक, तो दूसरा नंबर किसका आता, 60 वाले का आता। अरे भाई साहब ये फ्यूज हो जाएगा ना तो ब्रेक तो क्या कर देगी, इनकम्प्लीट हो गई। अरे 40 वाला यहाँ लगा हो, यहाँ लगा हो, यहाँ लगा, कहीं भी लगा है, सबसे पहले फ्यूज वही होगा, और जैसे वो फ्यूज होगा सप्लाई क्या हो जाएगी भाई, करंट तभी पास होता है जब क्या हो, सर्किट कंप्लीट हो, सर्किट कंप्लीट ही नहीं रहेगी तो करंट हर कैसे फ्लो करेगा, तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और जब बंद हो जाएगा तो उसके इसमें बाकी जो रिमेनिंग बल्ब हैं वो सेफ आपके बचे रह जाएंगे। इसीलिए ढाला फ्यूज होता है ना, आप ढाला लगाइए, जब फ्यूज होता है एक बल्ब फ्यूज होता है ठीक, उसके बाद बाकी उसकी सर्किट जितने दूर तक वो सीरीज है वहाँ तक क्या हो जाता है आपका सप्लाई बंद हो जाती है, जब बंद हो जाती है तो उसके साथ जलना बंद कर देता है ठीक। एक ही बार में सारे वाले फ्यूज नहीं होते जी बेटा, हाँ जी किसका आधा, तो सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज कर रही है, आधा पैरेलल का कॉन्सेप्ट यूज कर रही है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट ज़्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ करंट कम ठीक। सीरीज कॉम्बिनेशन में चाहे ज़्यादा वाला हो, चाहे कम वाला हो, चाहे जितना वाला हो, सबके थ्रू जितने सीरीज में होंगे उनमें करंट सभी में सेम सेम फ्लो करेगा ठीक है, क्या करेगा उनमें सेम सेम ही फ्लो करेगा, उसमें अलग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए बस्ती से फैजाबाद जाने का एक ही रास्ता हो, उधर बस्ते से फैजाबाद जाने का सिंगल रूट है ठीक, अब मालूम कुछ देता है सिंगल रूट बन गया है, तो मालूम से 500 लोग जा रहे हैं प्रति घंटे और आगे लोग खड़बड़ खड़बड़ वाला आ गया, तो क्या 500 जाके यहीं से कूद जाएंगे क्या भाई, वो भी यहाँ से क्या करेंगे, पास आउट होंगे भले सुन के जाने का, वहाँ पर क्या डेवलप होगा, रजिस्टर ज़्यादा होगा, यानी कि वहाँ पर उनको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन जाएंगे तो उसी रास्ते से ना बेटा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब आगे फिर जाके मालूम रोड स्मूथ, जैसे हम जाते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि जहाँ से चले डिस्टिनेशन तक आने का आपका क्या स्मूथनेस रोड के बराबर रहती है, बदलती है ना, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो क्या जो जहाँ का मालूम आदमी जो जा रहे थे उस पर रोड पे वो गायब हो जाते हैं क्या, करंट का ही तो रोल है, तो करंट का रोल है, करंट फ्लो करेगा तभी लीकिंग होगी बेटा ना, करंट कॉन्स्टेंट नहीं सभी पे बराबर रहेगा, बस इतना करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर जितने जोड़ेंगे उनमें से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू सभी में क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा ठीक। जब हम पैरेलल में क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे तब उस केस में जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ करंट कम, जिसका रेजिस्टेंस कम वहाँ पे करंट ज़्यादा होगा ठीक है। जैसे मालूम तीन रास्ते होते जाने के लिए, तो किस रास्ते से ज़्यादा लोग जाते हैं, किस रास्ते से ज़्यादा जाएंगे, जो सबसे कम एनर्जी कम टाइम इन्वेस्ट करके हम लोग पहुँच जाते हैं, मतलब शॉर्टकट होता प्लस स्मूथ होता ठीक है, उस रास्ते को क्या करते हैं ज़्यादा पब्लिक फॉलो करते हैं। ऐसे यहाँ भी करंट मिला, उस यहाँ सीरीज है तब तो सब में वही जाना है, चाहे जाने वाला हो चाहे कम वाला, क्योंकि इसको पास करेगा तभी यहाँ पहुँचेगा, इसको पास करेगा तभी यहाँ पहुँचेगा ठीक। यहाँ तो करंट की वैल्यू सेम हो गई, लेकिन पोटेंशियल यहाँ सब में क्या रहेगा, अलग अलग होगा, और सभी के थ्रू पोटेंशियल का सम जो होगा वो एक्सटर्नल पोटेंशियल के
बराबर होगा। जब हम लोग पैरेलल की बात करेंगे तो वहाँ पोटेंशियल सब में सेम होगा और करंट की वैल्यू जिस रेजिस्टर रेजिस्टेंस सबसे कम वहाँ करंट सबसे ज़्यादा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा वहाँ करंट सबसे कम होगा ना। तो इसके बेस पर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, वो चीज़ें हमारे प्रेजेंटेशन हो जाती हैं। ठीक, तो क्या लिख रहे थे हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, तो पहला है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। अब इतना बात समझ में आ गया? ठीक, तो लिख लीजिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब the current flowing through each bulb will be same okay, will be क्या हो गया बेटा, same, hence that bulb whose resistance will be high glow more and also having higher tendency to damage regular color fuse आप बार जो भी आप नाम देते हो, ठीक, तो उसके डैमेज होने के या फ्यूज होने के चांसेस उतने ही क्या होंगे, बढ़ जाते होंगे। अब एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इफ थ्री बल्ब 40, 60 and 100 watts if three bulbs 40, 60 and 100 watts are connected, 40, 60 and 100 watts are connected, are connected in 40, 60 and 100 watts are connected in series 40, 60 and 100 watts are connected in series देखिए 40 watt bulb glow more since its resistance will be highest if इसके resistance की value क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, since its resistance will be highest। ठीक, अब यहाँ से बेटा क्या करो, ऐसे दिखा लीजिए और यहाँ रेजिस्टेंस लिख के और ये ऐसे पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, जल्दी करिए। और सीरीज में एक ही फ्यूज होगा बेटा, बाकी हमारे क्या रहेंगे, सेफ बने रहेंगे, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे के सारे फ्यूज होते हैं। इसलिए जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाता है घरों में तो क्या ऐसा नहीं बल्ब फ्यूज हो गया बाकी बचे रह जाए, ठीक है, अगर एक्सेस में आ जाता है तो सारे फ्यूज हो सकते हैं। ठीक, दिखाइए सर, वाट एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है, जितने वाट के बल्ब का सब रेजिस्टेंस ही है, सब रेजिस्टेंस ही, मतलब ये सब रेजिस्टेंस कितना व्यवहार दिखाते हैं। हाँ, इसमें जो वाटेज है वो शो करता है कि पर सेकंड कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है या ब्रेक करा रहा है, कितना एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, ब्रेक करने बाद ब्रेक तो रेजिस्टेंस है। ठीक, उस केस में अब उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है किसकी वैल्यू पे, रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। ठीक, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका पावर क्या कम, पावर क्या होगा सर, ये
अगर इसका मतलब अगर पैरेलल जोड़ा गया कॉलम को तो ये यही करें सीरीज जो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो रेजिस्टेंस के जॉइनिंग मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्लॉट व्यवहार हाँ वो तो वही रहेगा ना है रेजिस्टेंस तो बिहेवियर क्या होगा ये रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन होगा बट इसमें हम लोग रेजिस्टेंस को नहीं फैक्टर ले रहे हम लोग ले रहे क्या हीटिंग इसमें ज़्यादा होगी कौन ज़्यादा चमकेगा क्योंकि बल्ब का काम क्या है लाइट जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन ज़्यादा आपका चमकेगा कौन कम चमकेगा वो चीज़ यहाँ डिस्कस करना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कम वाट वाला बल्ब ज़्यादा चमकेगा और पैरेलल में ज़्यादा वाट वाला बल्ब ज़्यादा चमकेगा इसलिए घरों में हम लोग क्या अगर मान लो तीन बल्ब आप लगाते हो तो कौन ज़्यादा ग्लो करेगा जिसमें ज़्यादा वाला होगा क्योंकि पैरेलल रेजिस्टेंस छोड़ दो वाट के टर्म में बोलो यार ज़्यादा वाट घर में जो हम लोग बल्ब लगाते हैं वो ज़्यादा वाट वाला बल्ब ज़्यादा रोशनी देता है कि कम वाट वाला ज़्यादा वाट ज़्यादा क्योंकि आपके यहाँ कम वाट वाला ज़्यादा रोशनी देता है ज्यादा वाट वाला घरों में बेटा हमारा जब हम लोग क्योंकि कॉम्बिनेशन पैरेलल में बनाते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज का रेस्ट क्या होगा आपको जी होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हायर वाट वाले बल्ब होंगे वो ज्यादा ग्लो करेंगे जो लेसर वाट वाले बल्ब होंगे वो कम ग्लो करेंगे इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप तीन बल्ब लगाया 40, 60, 100, 60 और 100 वाला सबसे ज्यादा ग्लो करेगा 40 वाला सबसे कम करता है सर सारे जनरेटर से कौन सा जो होता है जनरेटर से कौन सा जॉइनिंग करता है क्या होता है सर जनरेटर से कौन सा जॉइनिंग करते हैं जनरेटर से जनरेटर आपके घर में आके जो सप्लाई देगा सर उधर बाहर जब जॉइन करते हैं टेंट अच्छा टेंट वो भी पैरेलल में जोड़ते हैं बेटा जैसे देखो पहला सुन लीजिए अब वही हम आपको जो समझाने वही जा रहे हैं जो आपको दिख रहा है वो दो ही तार जाता है ठीक है जैसे जनरेटर होता है आजकल माहौल चल रहा है किसके शादी विवाह के हैं पार्टियाँ कुछ चल रही हैं तो रोड पे आपको क्या लाइट और डेकोरेशन वगैरह होता है ना उसमें खासकर जैसे मान लो झालरें लगती हैं या क्या ट्यूबलाइट लगता है तो जब ट्यूबलाइट लगता है बेटा ना तो उसमें क्या होता है जनरेटर कह रहे भाई साहब जनरेटर से दुइये वाया जाता है हम भी कह रहे दुइये वाया जाता है तो उसमें जहाँ पे आपको ट्यूबलाइट लगानी होती है ना ये मान लो भाई ट्यूबलाइट हम लोग टांग रहे हैं वो लोग क्या कहते हैं बेटा ट्यूबलाइट लगाना होता है तो ट्यूबलाइट लगाते हैं तो सीरीज और पैरेलल आपको लगता है दुइया है तो सीरीज होना चाहिए तो बेटा यहाँ से वायर निकलता है एक इस टर्मिनल पे जोड़ता है इसे यहाँ से निकलता है एक इस टर्मिनल पे जोड़ता है ऐसे यहाँ से निकालेगा एक इस टर्मिनल पे यहाँ से निकालेगा इस टर्मिनल पे जोड़ता है सीरीज तब कहलाता जब ऐसे वायर आता ये टर्मिनल है ट्यूबलाइट का और ये दूसरा टर्मिनल है ऐसे आता और ये करंट जो हमारी सप्लाई जा रही है यही कंटिन्यू होती ये क्या करता आपका यही कंटिन्यू होता तब यहाँ से जाता तो दूसरा वाला जो ट्यूबलाइट लगाते तब ये हमारा क्या कहलाता इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन बनता तब उसे हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहलाता था सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता ठीक है ऐसे नहीं होता कि एक वायर जा रहा है यहाँ से ऐसे रहता है इस वायर से हम लोग उसके पैदल भी क्या करते हैं ट्यूबलाइट जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको जोड़ते हैं ये आपस में कैसे हैं पैरेलल में ये कैसे है एक जॉइनिंग पे फिर से नया तार बोलने का काम करने लगता है क्या करेंगे एक जॉइनिंग पे वो फिर से नया जैसा जो है नया जैसे यहाँ से दो निकले यहाँ पर जॉइन हुआ यहाँ पर जॉइन हुआ और फिर अब यहाँ से ही आगे बढ़ रहा है वो आगे जा रहा है तो ये जो सर्किट आई ना उसके वो जो नीचे बार लगाया अपने लाइट वो कैसा हो गया पैरेलल में तो ऐसे हो कि यहाँ पर जॉइन हुआ फिर से यहीं से फिर से शुरू हो रहा है समझ सकते हैं तब पैरेलल ही होगा बुझ गए ये सर ये कट छोड़ूंगा शुरू से आखिरी तक शुरू से आखिरी तक ये शुरू से आखिरी तक हाँ भाई अगर ये आगे ऐसे जुड़ा होता आगे एक पॉइंट उसका इसका क्या एक जैसे दो टर्मिनल होते हैं ना एक साइड से लगता है और फिर जो निकलता वही आगे कंटिन्यू होता यहाँ हमारा हमें कहाँ से जोड़ रहे हैं इस वायर अपना सीधा सीधा जा रहा है इसके साथ हमेशा आपके घर में वायरिंग आता है ना केबल आता है तो गांव में केबल क्या जो भी दो वायर चार वायर छः वायर आ रहे हैं उन्हीं में से सब लोग तो जोड़ते हैं ना कि आपके घर के लिए अलग आता है पड़ोसी के लिए अलग आता है पड़ोसी के लिए अलग आता है इंड कैसे होता है इंड कैसे शुरुआत तो यहाँ से ऐसे हुआ दो तार से इंड कैसे हुआ भाई आप जैसे सप्लाई यहाँ से ले जाए ये सप्लाई आप यहाँ से ले आए यहाँ तक ले आए तो इसका मतलब हो गया कि ये सप्लाई जहाँ दूसरे वायर यहाँ तक आया यहाँ पे दोनों वायर हमारे आ रहे हैं
क्या है, दोनों आ रहे हैं, ये इसके बाद आपकी कार्डियोमीटर क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो यहाँ तक आपकी सप्लाई थी, यहाँ से पोटेंशियल हम डिफरेंस क्या करें अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो यहाँ तक सप्लाई जा रही है। अब यहाँ से जो भी इंस्ट्रूमेंट आप जोड़ोगे उसे किससे क्या जाएगा, बैलेंस में साइड जोड़ रहे हैं जी सर। और जो झालर है हम लोग बनाते हैं, तो झालर से कंडीशन ये होता है झाल से बाहर जाता है, यहाँ से आया, यही फिर आपका ऐसे ऐसे मूव करता है, ये कंडीशन वहाँ पे क्या होती है सीरीज की होती है। हम इसका एंड कैसे करते हैं सर, किसका एंड कर रहे हैं, सीरीज वाले पैरेलल वाले, तो जहाँ रोक दिया वहीं से हो गया। भाई आपके घर का सप्लाई पोल पे आई, तो आपके घर से अगर आगे नहीं सप्लाई जाए तो वही ढंग हो, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो हम वहाँ सोच सकते पोटेंशियल अप्लाई किया जाए, तभी तो यहाँ करंट आ रही है, इधर जहाँ पे खत्म हो रहा है वो लोवेस्ट पोटेंशियल होगा, जहाँ से आ रहा है वो हाईएस्ट पोटेंशियल होगा जी सर। और सीरीज वाले में सीरीज वाले पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, पहले जहाँ पर ज्वाइंट है वहाँ लो है, जहाँ भी जैसे वाला जुड़ता गया तो पोटेंशियल डिवाइड, जैसे यहाँ से यहाँ से पोटेंशियल, अगर ये 220 वोल्ट है तो यहाँ भी 220 है, यहाँ भी 220 है, यहाँ 220, यहाँ अगर यही 220 है चार में आपने बांट लिया, ये चार में बांट में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब सीधे चुके एक्सप्लेन कर चुके हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा बेटा वो बल्ब ज्यादा चल रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी कम होगी। तो एक मिनट जरा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं मैंने क्या किया, मुंह धुलो या पानी लगा है पानी पी लो। देखिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू ईच बल्ब आर सेम, पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू ईच बल्ब आर सेम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू क्या है आपका सेम, सभी बल्ब के थ्रू क्या होगा आपका सेम होगा पोटेंशियल ड्रॉप, तो ईच बल्ब आर सेम, ठीक। तो जितने बल्ब आपके लगे हुए हैं उनके साथ थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी, ठीक। देखिए सो दैट बल्ब ग्लो मोर इन विच हैविंग which having smallest value of resistance, पोटेंशियल सबके थ्रो बेटा बराबर हो गया पैरेलल में है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके लिए हीटिंग क्या होगी पर सेकेंड ज़्यादा, उस बल्ब से ज़्यादा हीट पर सेकेंड आपका जनरेट होगा, जिसका क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होगी कम होगी, इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन वो ज़्यादा ग्रो करेगा जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है। और अभी हम लोगों ने निकाला था रेजिस्टेंस की वैल्यू कम किसके लिए है 100 के लिए, किसके लिए 100 के लिए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन
40 वाट 60 वाट और 100 वाट। ठीक, इस केस में अगर हम उसकी सप्लाई को दे रहे हैं 200, कितना है 20 वोल्ट की आप दे रहे हो, रेटिंग सब 220 वोल्ट पे है, तो उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 100 के सबसे कम है तो इसलिए ग्लो सबसे क्या करेगा ज़्यादा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऊपर क्या, हम लोग कर दो 20 स्क्वायर बाई 8 इक्वल कितना होता है, टी के बराबर होता है 100 ग्रेटर देन 60 ग्रेटर देन 40 हेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो ज्यादा चमकता बेटा वही ज्यादा फ्यूज भी होता है। ठीक, हम लोग पढ़ते बेटा के चाप चला, क्या पढ़ते हैं के चाप चला, अगर मीटर लगा है तो विदाउट मीटर वाला होता है वहाँ फिक्स आता है, जैसे पहले गांव में जो है फिक्स रेट चलता था, अभी वहाँ भी मीटर लग जा रहा है, तो उस केस में क्या होता था फिक्स रेट होता था कि आप उतना आपको सप्लाई उतना आपको पैसे लेने हैं, चाहे आप यूज कुछ करिए चाहे जाए उतना करिए।
उसमें होशियार लोग बहुत कुछ यूज कर देते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन आपका है। देखिए अभी के देश में क्या गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, हर जगह मीटर सिस्टम लगा रही है, बट अब उसका मेजरमेंट कितना हो पा रहा है बात अलग है, ठीक है। ली जा रही नहीं ली जा रही वो अलग का, बट ये है कि मीटर सिस्टम हर जगह अलग अलग लग जा रहा है, ठीक। तो कंडीशन क्या होता है बेटा, और एक चीज़ आप भी अगर गांव में भी अगर विलाग करता है तो रीडिंग होती है, जैसे गांव में रीडिंग नहीं होती है, एक जनरल डाटा आपका बिल बना के आपको भेज दिया जाता है। लेकिन गलती से ये ना कहिए कि हमारे जो बिल आ रहा है वो फिक्स आ रहा है, वो फिक्स नहीं आ रहा है, वो एक मिनिमम चार्जेज आपको दे दिया जा रहा है बिल आपको, और आप पे करते रहते हो। इन फ्यूचर जब भी उसकी क्या होगी रीडिंग होगी तो जितना उसमें क्या यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं वो सारे का बिल बना के बाकी जितना आप पे किए होंगे उसको माइनस करके एक बार बिल आपको दे दिया जाएगा, ठीक। तो घर वालों की बता दिया ऐसा ना कि 300 रुपया आप बिल आ रहा है उनके लिए, तो चाहे 3,000 का खर्च करें चाहे 30,000 का खर्च करें कोई बात नहीं, वो आपका फाइनली बिल पे करना ही करना होगा जैसे यूनिट आपने कंज्यूम किया है। तो इसलिए मिसयूज नहीं करिए। मिसयूज मतलब क्या, गवर्नमेंट क्यों लगा रही है मीटर लगाने का रीजन क्या है, यही है। आप अगर यूज करते तो शायद मीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्या करते हैं मिस यूज करते हैं। मिस यूज का मतलब बल्ब जल रहा है तो जलता रहता है, फैन चल रहा है तो चलता रहता है, और बहुत सारे लोग तो हीटर गीजर अननेसेसरी यूज करते हैं, कहते हैं अगर रूम हीटर जला दो ठंडी में जलता है गर्म रहेगा, ठीक। तो वो कंडीशन है, अगर आप प्रॉपरली यूज करते हैं शायद ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो वही कंडीशन कितना बिजली आपके क्या खर्च करते हैं उसको हम काउंट कैसे करते हैं, वो नंबर आप यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम आप करेंगे, ठीक है, उसी में कंजप्शन आप हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिक पावर। तो हेडिंग पहले बना लीजिए उसी कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं चार प्लान हेडिंग करिएगा। आपके आइटम दिए गए हैं कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्वेश्चन भी आता है, हाँ जी आता है, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी को वाट आवर हम लोग कहते हैं, किलो वाट आवर। एक यूनिट जो होती है वो हमारा एक किलो वाट आवर, और समझ लीजिए जैसे मान लो आपने 500 यूनिट खर्च किया बिजली, ठीक। तो 500 यूनिट का मतलब हो गया कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी एक महीने में कंज्यूम हुई बेटा, ठीक है, क्या करिए कंज्यूम हो गई वो कितना 500 किलो वाट आवर आपने एनर्जी क्या किया कंज्यूम किया। मतलब अगर एक कोई इंस्ट्रूमेंट आपके घर में है जो 1000 वाट का है बेटा, कितने वाट का है, अगर 1000 वाट पावर का कोई इंस्ट्रूमेंट आपने घर में लगा रखा है, अगर उसे बेटा 1 घंटे आप यूज़ करते हो, कितने घंटे 1 घंटे अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा वो 1 यूनिट के बराबर होता है। क्या कहता है बेटा, 1 यूनिट के बराबर होता है कि अगर आपने 1 घंटे तक 1000 वाट के किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें, हाँ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम आपका हो रहा है वो नंबर आप क्या यूनिट कैसे निकालते हैं, तो कैलकुलेशन आप यूनिट लिखते हैं तो नंबर आप यूनिट होता है, नंबर आप यूनिट ये होता है वाट इंटू आवर अपान 1000 या फिर किलो वाट इंटू आवर हम कह देते हैं, ठीक। तो यूनिट आपको काउंट करने के लिए हम ये करते हैं, ठीक। इसी काम में क्या लिखते हैं, क्या कंजप्शन आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो नीचे लिखिएगा द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ यूनिट्स, इन टर्म ऑफ यूनिट लगभग किलो वाट आवर, यूनिट लगभग किलो वाट आवर, किलो वाट आवर नीचे लिखिएगा, ठीक। लेकिन नंबर ऑफ यूनिट
कैन बी कैलकुलेटेड, नंबर ऑफ यूनिट्स कैन बी कैलकुलेटेड एज 1 into hour अपॉन 1000। नंबर ऑफ यूनिट्स कैन बी कैलकुलेटेड एज, क्या लिखिए, नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल टू 1 into hour अपॉन 1000। सर इसका मात्रक कैसे था, किलोवाट पर आवर होता, किलोवाट आवर है मल्टीप्लाई किलोवाट आवर, मतलब कितने घंटे कितने किलोवाट के इंस्ट्रूमेंट को आपने क्या किया यूज किया, वो आपका होता है वहाँ कंट्रोल लेते हैं किलोवाट इनटू क्या कहते हैं आवर कहते हैं, ठीक है। तीन नंबर आप यूनिट्स हो गया, वाट इनटू आवर अपन कितना 1000 हो गया, वाट इनटू आवर अपन क्या हो गया 1000 हो गया, ठीक। तो इसके बेस पर आप यहाँ से क्या करते हैं प्रेडिक्ट कर लेते हैं क्या वैल्यू होगी, वहाँ से आपका डिडक्शन हो जाएगा, उसके बेस पर हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं बेटा, ठीक। इस केस में आप कैसे निकालेंगे, अब मान लो कास्ट आपको बिजली के बिल का निकालना कैलकुलेट करना है, तो पहले आप क्या करिए, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड पर डे निकालिए, फिर उसमें 30 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा पर मंथ हो जाएगा, और जब पर मंथ मिल जाएगा उसमें कॉस्ट रेट जो आपका है, जैसे मान लो 6 रुपीज़ पर यूनिट है, तो वहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा पूरे मंथ का आपका कितनी बिजली के बिल आने चाहिए वो आपको मिल जाता है, ठीक। कितना बिजली आप कंज्यूम कर रहे हो, कितना बिल आना चाहिए वो वैल्यू में मिल जाता है, ठीक है। अब कंडीशन क्या हो रहा है, क्योंकि घर में तो एक इंस्ट्रूमेंट होता नहीं है, घर में तो ऐसा नहीं खाली बल्ब लगाते हैं या खाली क्या हीटर लगाते हैं या खाली आप फ्रिज लगाते हैं या खाली कूलर लगाते हो, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं और उनके कंजम्पशन के आवर भी, यूज के आवर भी क्या है अलग अलग। जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कम टाइम के लिए यूज होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ज़्यादा टाइम के लिए यूज होता है, उसके पावर्स ज़्यादा तो कम है, किसके पावर्स क्या है ज़्यादा हैं, तो उस कंडीशन में टोटल हमें काउंट करने के लिए एक एवरेज आन वैल्यू हमको लेते हैं, क्या लेते हैं एक एवरेज आन वैल्यू जो है हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, उसके बेस पे नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएगा, और जो नंबर ऑफ यूनिट्स आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, तो उस केस में जो कॉस्ट है पर यूनिट चार्जेस हैं उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं मंथली बिल क्या आएगा आपका वो मिल जाता है, हो जाएगा। तीन कंडीशन आपका होता है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे इस पार्ट में करते हैं, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो लिख फॉर्मूला क्या है, ठीक। तो अभी से एक क्वेश्चन लिख लीजिए, हो गया, लिखिए, इन ए हाउस लिखिए 10 सी, आप क्या ले लो बल्ब में आप चाहे CFL या LED हो जो भी हो, 10 बल्ब ईच आप 20 वाट यूज्ड 10 आवर डेली, ठीक। एक काम आप 5 फैंस, क्या सर 5 पंखे 5 फैंस ईच ऑफ 60 वाट यूज 60 वाट हाँ यूज 20 आवर्स डेली 20 वाट्स डेली कमा आवर्स डेली आवर 20 आवर्स डेली कमा ये मोटर पंप आप 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट 1 किलोवाट एक हजार वाट 1 किलोवाट यूज्ड 2 आवर डेली 2 आवर डेली कमा ये रेफ्रिजरेटर आप ये रेफ्रिजरेटर ये मतलब क्या सिंगल, ठीक। रेफ्रिजरेटर आप 500 वाट आप 500 वाट यूज्ड अपने बस्ते 24 आवर सप्लाई तो होती नहीं है, हमारे 22 आवर्स डेली 22 आवर्स डेली कमन हो गया 22 आवर्स डेली कमन। मम्मी लोग टीवी भी देखेंगे, यस टीवी टेलीविजन यानी टीवी
आप 300 वाट 300 वाट यूज कितने घंटा चलता है? 10 मैंने ये कहा घर है जिसमें आधा घंटा चलता है, बताओ आधा घंटा बंद होता है तो आप समझ सकते हैं कितने लेंगे? क्या लिखे बेटा? 300 वाट यूज 10 आवर्स। अरे 10 बहुत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा देखने वालों की कहानी है। 4 आवर्स दे दी, 4 आवर्स दे दी, दे दी। एंड और कुछ लगाएंगे? फ्रिज। फ्रिज तो हो गया ना, फ्रिज लगता है घर में बहुत कुछ है बस। लेकिन एक बार ये वाशिंग मशीन आप If rate of electricity is, five rupees per unit, rate of electricity is 5 rupees per unit, then calculate. Monthly electric charges of that house, उस घर का मंथली इलेक्ट्रिक चार्जेज बिजली का बिल कितना आएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक, अभी यहाँ एसी डीसी कुछ नहीं लगा है, सिंपल सब लगा हुआ है। ठीक, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाया, जो एक्स्ट्रा क्या हो फालतू वाला होगा ना, निकालिए करके पंडित जी लोग हैं। तुम लोग ऐसे पलते इतने बाहर के बैठे, दिमाग कहाँ चलेगा? वो मौन मुद्रा की कहानी होती है, एकदम आराम से बैठ जाइए, जैसे बैठे वैसे यहाँ का चलना बंद हो जाता है। ठीक है, जल्दी करिए। वॉशिंग मशीन 1000 वाट
टू आवर अब कुछ लगा है तो हो गया है तीन चले गई हाँ कितने घंटे वाले कितने घंटे कितने वाट का 300 वाट कितने घंटे फोर टोटल का भाई 1000 ठीक अब बुरा भाग का लो बेटा कर लेंगे ये हो गया 2000 ये हो गया 630 300 वाशिंग मशीन छूट गया वाशिंग मशीन छूट गया हां वाशिंग मशीन छूट गया लगाया तो है 2 घंटे चलाते हैं देखो ठीक ये 1000 × 2000